कोटा में अनंतपुरा से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नॉर्दर्न बाईपास भदाना में समाप्त हो चुकी। कोटा में करीब 25 किलोमीटर का कारवां लगातार पैदल चलते हुए वो यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पीछे जो डोम आपको दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स में, उन पे राहुल गांधी का स्टे है। कुछ कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं लगातार इस यात्रा की तैयारी किए हुए हैं कोटा शहर के, और पूरी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो लोग हमारे साथ हैं। शिवकांत नंदवाना जो कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़े थे, शिवकांत जी कोटा में राहुल गांधी आए तो किस तरह का उत्साह देखा गया? राहुल गांधी की जब से कोटा में आने की चर्चा प्रारंभ हुई, प्रत्येक नागरिक कोटा का वासी जो था वो बड़ा लालायित था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस प्रकार से हम लोग कोटा के लोग सुन रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में पूरे लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है उससे काफ़ी लोग उत्साहित थे उसको देखने के लिए। और राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे नौजवानों को रोज़गार की बात हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये जो नफरत की भावना इस देश की जनता के बीच में एक दूसरे के प्रति फैलाई जा रही है वो समाप्त हो, ये संदेश देने के लिए राहुल गांधी आए। और मैं समझता हूँ कि कोटा में जिस प्रकार से लोगों ने घरों से निकल कर, एक तो वो भीड़ होती जो लाई जाती है, एक वो भीड़ होती जो अपने आप आती है, अपने आप कोटा की जनता ने सड़कों पे आकर राहुल गांधी का जिस प्रकार से अभिवादन किया, स्वागत किया, एक ऐतिहासिक पल मैं उसको कह सकता हूँ। आपका क्या मानना है, इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा से जिस प्रकार से लोगों के बीच में राहुल गांधी की बात नहीं पहुंच पाती थी, राहुल गांधी हर क्षेत्र में जाके, हर स्टेट में जाके, हर राज्य में जाके लोगों को बता रहे हैं कि सरकार की क्या नाकामियाँ हैं, किस प्रकार से देश मजबूत होता हो सकता है। इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करी है। कई इश्यू हैं, चाहे किसानों का इश्यू ले लें, चाहे नौजवानों को रोज़गार की बात हम ले लें, चाहे जिस प्रकार से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उस बात को हम ले लें, तमाम बातों को लेकर डर का माहौल जो इस देश की जनता में सरकार द्वारा बनाया जा रहा है उस सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, लोगों को जगाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन एक बात सामने आई थी कि कहीं गुटबाजी जैसी चीज देखने को मिली आपको? कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस है कि आप देखो राहुल जी के साथ गहलोत साहब भी चल रहे थे, पायलट साहब भी चल रहे थे, डोडासरा जी भी चल रहे थे, धारीवाल साहब भी चल, तमाम नेता जो थे सब साथ चल रहे थे। हिल मिलजुल के हम लोगों ने इस की कार्यक्रम की तैयारी कोटा में करी। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो लगातार नितांत झूठी। शिवकांत नंदवाना हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया। हम मैं कुछ और लोगों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं जो इस यात्रा में शामिल हैं, पूरे कोटा में जो यात्रा में गए हैं। आप लोग कहाँ से आए सर? यात्रा में आए कहाँ से आए? बाड़मेर से आए, बाईतू विधानसभा। कहाँ से? बाड़मेर से आए। हाँ, बाड़मेर से आए। तो आप कहाँ से यात्रा में साथ हैं? सुबह शुरू हुई वहाँ से, साथ में सुबह से शुरू साथ है। आपको कैसा लगा, क्या उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह का बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, इस यात्रा से क्या फायदा होगा, कुछ लग रहा है? राजस्थान में सरकार दोबारा बन जाएगी, दोबारा सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, और कौन है आपके साथ और कौन लोग आए हैं? प्रधान साहब हैं। प्रधान साहब कहाँ से आए हो आप? मैं बाड़मेर जिले में बाईतू विधानसभा क्षेत्र से बाईतू प्रधान हूँ पंचायत समिति से। और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वास्तव में एक बहुत बड़ा, जो देश में अराजकता, संकीर्णता, ईडी के छापे और सब जो सरकारी संपत्ति थी उनको किराया दे दिया, भाड़े दे दिया, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है। और राहुल जी ने एक बहुत बड़ा देश हित में काम किया है जिससे वापस आम लोगों में कांग्रेस प्रति धारणा बन रही है और वापस पुनः कांग्रेस सरकार बनेगी। फायदा होगा कांग्रेस का? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। क्या फायदा होगा? फायदा वो सरकार वापस कांग्रेस बन जाएगी। लोगों बहुत आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। सुनने में आ रहा है खबरें कि कांग्रेस में गुटबाजी है, ऐसा कोई 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 गुटबाजी नहीं है। घर होता है वहाँ छोटा मोटा, लोग लुगाएंगे भी अपनी मिसेज के भी नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है, होता छोटा मोटा लेन देन विश्वास होता है, वो कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है। बांसवाड़ा से ये लोग आए थे। राहुल गांधी की यात्रा में लगातार पूरे राज्य से, राजस्थान राज्य से लोग आए हैं और राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनके साथ कदम ताल मिलाने के लिए चल रहे हैं। फिलहाल जो है यात्रा का समापन कोटा में हो चुका है। मेरे पीछे जो आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं ये डोम है जहाँ पर राहुल गांधी और उनके साथ आए हुए 10,000 से ज़्यादा पदयात्री भोजन और का विश्राम का समय है। यहाँ से राहुल गांधी सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे।